मूल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने जन्म लिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ्य दिया था। मैं खानाकुल की इस धरती को प्रणाम करता हूं, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्याण के लिए जी जान से जुटा हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहां कुछ नौजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे, वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। आप सबका, क्योंकि ये धरती तो रग रग में कला आर्ट ये यहां की विशेषता है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि भावी पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी आपका ये प्यार, इन सबके प्यार का एक प्रतीक है, और इसलिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे यहां 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आजादी के आंदोलन की प्रेरणा स्थली रही है, गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेतृत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करे। आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है। बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। G20 में कैसे भारत की जय जयकार हुई, ये हम सबने देखा है। आज भारत स्पेस सेक्टर में अग्रणी बन रहा है, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है। आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद
500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह राम लला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां माटी मानोस, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा? क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता
संदेश खाली पर आंख कान मुंह गांधी जी को जो तीन बंदर थे ना, उन तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है, इतना ही नहीं अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया, किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्युनिसिपालिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए
हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना